आप देखते हैं जैसे बाइबल में कहा गया है फॉरबिडन एप्पल, फॉरबिडन एप्पल का मतलब बोला गया था ये एप्पल मत खाना है, क्या खाना है इसको तो जरूर खाऊंगा। हमारे जीवन में ऐसी सिस्टम है जिसको मना कर दो ना कि ना ये सामान रखा है इसको मत खोलना, अब वो व्याकुल हो जाएगा, भाई इसको तो खोलना है खोलूंगा कैसे भी। अगर ये बैग रखा है ना कोई नहीं खोलेगा, लेकिन बोलिए इस बैग को ना बस ध्यान रखना कोई खोले नहीं, अब बोलते इसको इसमें क्या है, इसको क्यों मना किया है खोलने के लिए, अब वो चले गए देख लेते हैं क्यों मना किया। नहीं, ये हमारा दिमाग होता है। आप किसी को पता क्या करना, बोला सुनो एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात, वो छोड़ो आपको क्या बताएं, आप उसको चिंतित हो जाएंगे भैया नहीं बताओ बताओ क्या बात है, नहीं नहीं और आप इधर उधर बता देते हो क्या फ़ायदा, और पीछे पीछे घूमता रहेगा आपके, वो दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एप्पल, जो बोलते ये एप्पल मत खाना, ये एप्पल खाओगे तो स्वर्ग नहीं जा पाओगे, तो बोलते हैं लेकिन मतलब क्या है इसमें, आप में खा के देखेंगे ऐसा थोड़ी होता है, एक बार ट्राई करके देखेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सुन के ही मान लेता गलत है। अब बुद्धू व्यक्ति मतलब ट्राई करना चाहिए। शराब कैसी चीज़ है, खराब चीज़ है, आप पी के थोड़ी देखोगे, पहले पिएंगे फिर घर बर्बाद होगा, सब कुछ लूट जाएगा, आपकी आंतें खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, फिर मरने जा रहे हो, बोले भाई सब क्या ख्याल आपका, शराब खराब, ये पागलपन है। शास्त्र बोल रहे हैं कि धन जो है विष वृक्ष के समान है, कुछ विष विषैले वृक्ष ऐसे होते हैं जो फल बहुत अच्छा दिखाते हैं। एक महाराज बता रहे थे कि वो एक, एक, एक जंगल में भटक रहे थे, अकेले घूमते थे उनकी आदत थी, तो एक जंगल में अंगूर के समान एक काले 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 अंगूर के समान एक फल दिखा, इतना अट्रैक्टिव जूसी, तो उन्होंने उसको तोड़ लिया, वो खाने ही जा रहे थे, एक व्यक्ति बोला रुको 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 ये मत खाओ ये जहरीले फल हैं। तो ये कैसे जहरीले, बोलते नहीं नहीं ये जहरीले मत खाओ, तो बोलते महाराज बोलते मैंने नहीं खाया, बोले मैं फेंक दिया, एक जीव खा लिया, अब ऊपर था फल, जीव खाते नहीं थे, मैं तोड़ दिया खा लिया, वो मर गया मेरे सामने मर गया, बोलते बोलते बस मैंने उसकी बात मानी तो मैं बच गया। ऐसी इंद्र तृप्ति है, वो जब सुनकर ही समझ जाए कि गड़बड़ है, वो बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, बोलते हैं ट्राई करके देखेंगे, ऐसे नहीं मानते, ऐसे कैसे सांप काट लेगा, सांप काटने से मर जाते हैं सब व्यायाम है, सांप को बहुत बुरा लगता है इस बात का, सांप बगल से जा रहा हो ऐसी मतलब उसका मूड नहीं है, काटो मोटो को नहीं क्या काट रहे हैं, और फिर बोल देगी सांप आपसे कुछ नहीं डलता मैं, अब वो बुरा मान जाएगा। ऐसी माया बुरा मान जाती है, मैं कितना भी भोग करूँगा ना, मैं सेल्फ कंट्रोल है मेरे पास, पैसा स्त्री मुझे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो माया बोले बोले चैलेंज वाला व्यक्ति मिल गया पकड़ो उसको, फिर आपको परेशान करती है। इसलिए सब कुछ भगवान को अर्पित करना है मुख्य चीज़ है।